हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिस्ट वाला स्किट में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइनली देखिए 10 अक्टूबर को आप लोगों का यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है। आज फाइनली 4-5 दिन हो चुके हैं और आज पूरा फुली एनालिसिस करने के बाद, कई सालों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद, आपका अनिस्ट वाला स्किट में की टीम और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के राय लेने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों का जो कट ऑफ है 2021 का, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ का लिस्ट आए, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा था। एवरीवन, शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम फाइनली बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होनी चाहिए आपका सीएस यानी कि सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो एवरीवन, हम यहां पे अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे ईयर्स के मार्क्स का एनालिसिस किया है और साथ ही यहां पे कुछ ईयर्स के मार्क्स को भी हमने यहां पे दिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो सके। एवरीवन, तो मैं उम्मीद करता हूँ बस आप लोगों से इतना कि आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा ताकि आप अपने जजमेंट पर पहुँचने से पहले इस वीडियो का जो मकसद है उसे आप देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं एवरीवन और देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 ईयर का क्वेश्चन हमने कट ऑफ यहाँ पे हमने लिया है। तो इसमें हम मेंस या फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे इसमें आप सभी से प्रीलिम्स के कट ऑफ के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2020 के जो कट ऑफ आया था आपका प्रीलिम्स का, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 92.51 आपका मार्क्स गया हुआ था जनरल कैटेगरीज के लिए। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 93 नंबर आपका कट ऑफ गया था आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 में। एवरीवन, मैं आप सभी को एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल कट ऑफ है और किसी तरह का कोई इसमें एडिटिंग नहीं किया गया है। ये ऑफिशियल कट ऑफ जो यूपीएससी सीएससी अपनी वेबसाइट पे रिलीज की हुई है वहीं से ये कट ऑफ उठाया गया है। तो इसमें 2020, 19, 18, 17, 15, 14 सबका हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे एक एक करके पहले मार्क्स आप देखते जाइए। तो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, डिफ़िकल्ट लेवल का था, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है आप देख पा रहे होंगे कि 95 भी नहीं पहुँच पाया है और यहीं पर 92-93 के बीच में सिमट गया है। तो जनरल का जो कट ऑफ था 92.51 गया था, वहीं पर आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 77.55% गया हुआ था। वहीं पे ओबीसी का कट ऑफ देखा जाए तो 89, यहाँ पे जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग एक साथ ही रहता है। एवरीवन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल और ओबीसी का कट ऑफ एक साथ ही रहता है। यहाँ पे एससी का बात करें, एसटी का बात करें, तो एससी और एसटी में अगर आप देखें तो एससी का 74.84 गया है, वहीं पर एसटी का 68.71 गया हुआ है। अगर पी डब्ल्यू बी डी वन की बात करें तो 70.01 गया है, वहीं पे पी डब्ल्यू बी डी सेकेंड की बात करें तो 63.94 गया हुआ है। वहीं पे आप बात करें तो पी डब्ल्यू थ्री और पी डब्ल्यू फाइव, यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं है। एवरीवन, यूपीएससी के साइट पे ऐसा ही था, तो 4 क्यों नहीं है वो अब यूपीएससी ही बताएंगी। तो यहाँ पे बी डब्ल्यू बी डी थ्री और बी डब्ल्यू फाइव का यहाँ पे देखें तो 40 और 42 यहाँ पे कट ऑफ गया है। उसी तरीके से अगर आप 2019 का कट ऑफ देखें तो 2019 में ये भी कट ऑफ आपका ऑफिशियल है, तो यहाँ पे भी किसी तरह कोई एडिटिंग नहीं किया गया है, तो ये भी आपका ऑफिशियल है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 का देखें तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने थे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में वो 98 गया हुआ था, और 2021 में देखें तो 92.751 गया हुआ था, वहीं पे यहाँ पे कट ऑफ गया था 98 आपका कट ऑफ चला गया था। यहीं पे आपका 90 गया था ईडब्ल्यूएस का, और इसमें आप देख रहे होंगे तो 77.55 गया हुआ था 2020 में। अब हम आगे देखते हैं तो ओबीसी का 95.34 गया था और 2020 में 89 point something गया हुआ था। एससी की बात करें तो 2019 में 82 गया हुआ था, वहीं पे 2020 में देखें तो 74.84 गया हुआ था। तो कट ऑफ यहाँ पे देखिए काफ़ी कम गया हुआ था 2020 में
19 के से कंपेयर करते हो। 2019 में एसटी का कट ऑफ देखे तो 77.34 गया हुआ था, वहीं पे यहाँ पे एसटी का कट ऑफ देखे तो 68.71 गया हुआ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मार्जिन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मात्र 68.61 एसटी का गया हुआ था, वहीं पे 77.34 गया हुआ था आपका एसटी का 2019 में। और मुझे लगता है कि इस तरह का एनालिसिस बेस्ड वीडियो यूट्यूब पे पहला ही होगा, क्योंकि आपको कट ऑफ लिस्ट पहले बता दिया जाता है, देन आप उस पर बातचीत करते होंगे, लेकिन इस तरह से एनालिसिस बेस्ड कट ऑफ मुझे लगता है कि पहला होगा। आपको क्या लगता है, इससे भी पहले वीडियो आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एवरीवन। वहीं पे PWBD1 का देखिए तो 53.34 गया हुआ था, तो यहीं पे देखिए कि यहाँ पे BD1 का कट ऑफ हाई चला गया है। BD1 का कट ऑफ यहाँ पे हाई गया हुआ था, 70.06 गया हुआ था आपका BD1 का, और यहाँ पे मात्र 53 गया हुआ था। इस तरह से आप देखें तो 61 आपका BD5 का गया हुआ था, और यहाँ पे 42 गया है आपका BD5 का। यहीं पे BD3 का देखें तो 40 गया हुआ है, और BD3 का देखें तो 40 गया है, तो दोनों का लगभग सेम है। और यहाँ पे देखें तो 44 गया है BD2 का, और यहाँ पे देखें तो 63 गया है। तो ये आपका कॉट ऑफ आप देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स 2019 का कॉट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। 2020-21 का हम लोग कॉट ऑफ में देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2018 का कट ऑफ देखिए किस तरीके से आया था। एवरीवन यहां पे देखिए 2018 का कट ऑफ किस इस तरीके से आया था, तो यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कट ऑफ किस तरीके से गया। तो उसमें लाइनिंग बाई लाइन था, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दे दिया गया है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, तो यहां पर ये वाले सेशन में देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड CS प्रीलिम्स आउट ऑफ 200 के कट ऑफ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो जनरल कट ऑफ 98 गया हुआ था, और वहीं पे 2019 में बात करें तो 98 ही गया हुआ था, और 20 का तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। 96 में आपका OBC का कट ऑफ गया हुआ था आपका 96, और वहीं पे OBC का कट ऑफ गया था आपका 2019 में 95। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑफिशियल साइट से ये भी उठाया गया है एवरीवन, तो इसमें भी किसी तरह कोई एडिट नहीं किया गया है। और इसमें आपका EWS यहाँ पे देखिए, एक जो यहाँ पे EWS का जो सेशन देख रहे हैं 2019 और 20 से ही ये चीज़ आई हुई है, तो 2018 में EWS का आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपको जनरल OBC SC ST का दिख रहा होगा। यहाँ पे PD1 PD2 PD3 PD4 का आपको दिख रहा होगा। तो SC की बात करें तो 84 गया था, वहीं पे ST की बात करें तो 83.834 गया हुआ था। और यहीं पर आप देखें तो BD1 BD2 BD3 BD5 का देखें तो 40, यहाँ पे BD5 का देखें तो 45.53 गया हुआ है, और ये 40 गया हुआ है BD3 का, और ये BD1 का देखें तो 73.34 गया हुआ है। तो हम सिर्फ इसमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पे फोकस करते हुए ही इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। 2017 में एवरीवन आप देखें तो 2017 में थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, चाहे वो कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो, OBC के लिए हो, SC के लिए हो, ST के लिए हो, या PW या PH1 के लिए हो, PH2 के लिए हो, या PH3 के लिए हो। तो यहाँ पे देखिए 2018 में PWD 1, 2, 3 और 5 था, और वहीं पे 2017 में आपका PH1, PH2, PH3 तक ही होता था, अब 5 भी एक इसमें कॉलम इंक्लूड कर दिया गया। तो एवरीवन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप बात करें तो 2017 का जो 2017 का अगर आप देखें 2017 कट ऑफ देखें UPSC CSE प्रीलिम्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप 17 और 18 की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ था वो आपका 98 गया हुआ था, वहीं पे आप 20 की बात करें तो 92 गया हुआ था, और वहीं पर 2017 की कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है, 105.34% कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ हमेशा क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया हुआ है। हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का वो कितना हार्ड लेवल का था, कितना मॉडरेट लेवल का था, या देखने में सिर्फ इजी लग रहा था या हार्ड था। तो एवरीवन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होना शुरू हो जाता है कि आपका कट ऑफ आखिरकार कितना जाने वाला है। एवरीवन आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, और ये शायद सबसे बाद में अपलोड किया जाने वाला ये वीडियो होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली इतने दिन बाद। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर यूट्यूबर
से चाहता है कि जिस दिन एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम हो उसी दिन कट ऑफ रिलीज किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एक जल्दीबाजी हो जाती है। अगर पूर्ण रूप से अगर इस पर एनालिसिस ना हो तो ये इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे 2017 में देखें तो हाई कट ऑफ गया है जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, PW1 का, PW2 का, PW3 का। तो PW3 का लगभग लगा आप देख रहे होंगे तो 2018-19 में कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, बाकी ये 40-45 के आसपास ही चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन जनरल का आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा होगा, कहीं 92 आ रहा है तो कहीं 105 आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। वहीं पर ओबीसी का देखें तो 102.66 गया हुआ है आपका 2017 में, एसटी का देखें तो 88.66 गया हुआ है, और एससी एसटी का दोनों कम्युनिटीज़ का यहाँ पे आपका सेम कट ऑफ गया हुआ है। तो एवरीवन, अब हम आगे देखते हैं 2016 का, हमने 2020 की बात की, 2019 की बात की, 2018 की बात की, 2017 की बात की, अब हम 2016 के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एवरीवन, 2016 के कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला कट ऑफ था एवरीवन, सबसे ज़्यादा हाई आपका 2016 का ही कट ऑफ गया हुआ है, क्योंकि आप 2015 का कट ऑफ देखें तो 107 के आसपास ही सिमट करके रह गया था। वहीं पे आप 2017 कट ऑफ की बात करें तो 105 के आसपास ही सिमट के रह गया था, मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स 105 था, लेकिन 2016 ने अपना सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 2016 में था 116, देखिए 2016 नंबर आ रहे हैं आपके जनरल कैटेगरीज के लिए। फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं एवरीवन, सी मेंस या फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और मेनली मेरा फोकस है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाले हैं कट ऑफ को आप सिर्फ देखेंगे एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ से देखिए जनरल का देखिए तो 116 गया हुआ है, ओबीसी का देखें तो 110 गया है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है एवरीवन, और बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था 2016 में। 2016 में ही एससी कैटेगरीज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 छूने वाला था, 100 के अंक को छूने ही वाला था, 99.34% आपका मार्क्स चला गया हुआ था एससी का। एसटी कम्युनिटी की बात करें तो 96 गया था, PW1, PW2, PW3 का आप देखें तो लगभग आपको 2016-17-18-19-20 सबका एक एवरेज नंबर आपको दिखता हुआ नज़र आएगा, 40 प्लस आपको मार्क्स इसमें देखते आएंगे। लेकिन PW1 PW2 का मार्क्स हमेशा थोड़ा सा इंक्रीज ही आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका 2016 का कट ऑफ था, और उसके बाद आप देखें तो फाइनली 2015 में कट ऑफ कुछ इस प्रकार से आया हुआ था। देखिए 2015, 16 और 17 का कट ऑफ जो UPSC CSE प्रीलिम्स का गया हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था एवरीवन, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गया हुआ था। और यहाँ पे अगेन 2015 में जो कट ऑफ था वो 100 प्लस आंकड़े को छुए हुए था, लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 में देखिए जहाँ पे आपका कट ऑफ 105.34 गया हुआ था, वहीं पे जनरल कैटेगरीज का जो कट ऑफ है वो गया हुआ था 107, फिर से अगेन ये सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है आपका UPSC CSE प्रीलिम्स में पिछले 5 सालों में, ये सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ है। फर्स्ट हाईएस्ट कट ऑफ 2016 का है, 2017 का थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ है, फिर उसके बाद 2018 और 19 का लगभग बराबर गया है, और 20 से कट ऑफ का जो मार्किंग है वो कम होना शुरू हुआ होता हुआ आपको दिख रहा होगा एवरीवन। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखिए एक साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करने के बाद लगभग 50-60 टीम इस पर वर्क की है आपका इस ये कट ऑफ बनाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सटीक होने वाला है, टू द पॉइंट कट ऑफ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा आपके मेंस तैयारी में हेल्प करने वाला है ये वीडियो एवरीवन, क्योंकि जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप इस कट ऑफ के बीच में आते हैं तो मेंस की तैयारी करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं 2015 की कट ऑफ, तो 2015 की कट ऑफ में आप देख रहे होंगे 107, 106, एससी का गया है 94, एसटी का गया है 91.34, पीएस का गया हुआ है बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा हाईएस्ट मार्क्स मैंने देखा है PH1 का अभी तक का, जितने दिन का मैंने एग्जामिनेशन देखा है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गया है पीएस का, 90.66 गया हुआ है। वहीं PH2 का देखें तो 76.66 गया है, और PH3 का लगभग सभी में आपको बराबर दिख रहा होगा एवरीवन। 2014 का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से था, तो इस कट ऑफ के ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं, हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली देखते हैं कि मोस्ट एंड मोर पावरफुल को एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए आप सभी के लिए। तो एवरीवन, ये रहा फाइनल कट ऑफ लिस्ट आप सभी के लिए अनस्टॉपेबल एकेडमी की तरफ से, एक्सपेक्टेड मोर पावरफुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं।
बाकी बाद 3 से 4 दिनों में मैक्सिमम 5 डेज में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, फिर आप वहां से मिला करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एवरीवन देखिए 2021 में जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसमें पेपर का जो नेचर था वो देखने में हल्का लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिखेगा। एवरीवन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे लोगों से मिला, हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो डालूं कि रिएक्शन क्या था बच्चों का, लेकिन बातचीत करने से बस इतना पता चला कि सभी लोगों ने लगभग 85 से 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन फाइनली जब यूट्यूब पे वीडियो आना शुरू हो गया, मार्क्स चेक करना बच्चों ने शुरू किया, तो लगभग जो सबका मार्क्स आ रहे थे वो 80 से 85 के बीच में आ रहे थे। 80 से 85 मैक्सिमम बिलो 95 के बीच में ही सब बहुत बड़े ह्यूज पॉपुलेशन का जो मार्क्स था वो आपका 90 प्लस में मार्क्स नहीं आ रहा था, 85 प्लस में मार्क्स आ रहा था और 95 के बिलो में आ रहा था एवरीवन। और इसी तरह से हमारी जो टीम है वो उन लोगों ने एनालिसिस किया है और इन तमाम मुद्दे के ऊपर, एक एक मुद्दे के ऊपर बात किया गया है। लगभग 10 से 15 सालों का कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है, जिसमें मैंने 5 साल का कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर किया, दिखाया भी। तो एवरीवन ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल इस साल का था उतना सिंपल एक्चुअली में क्वेश्चन आया नहीं था एवरीवन, क्योंकि अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे, जिस गुरु से आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी जाकर के आप बात कीजिएगा, वो भी आपको बताएंगे कि सिंपल देखने में ये क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली में ये आपके माइंड का जो था वो खोलने वाला क्वेश्चन था। आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14 वाली जो क्वेश्चन आई थी वही देख लीजिएगा एवरीवन। हर एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं वो भी अपने क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वो लोग भी कंफ्यूज रहे हैं। और फाइनली यूपीएससी आंसर की क्या देती है, उसका फाइनल आंसर क्या होता है, ये तमाम चीजें डिपेंड करने वाली है आपकी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के कट ऑफ के लिए। तो फाइनली यहां पे देखिए आप एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। जर्नल ऑफ कट ऑफ है, अनस्टोवलाइज एकेडमी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 80 से 85 के बीच में कट ऑफ है। ओबीसी का जो कट ऑफ है 85 से 90 के बीच में कट ऑफ है। एससी का जो कट ऑफ है वो 72 से 78 के बीच में कट ऑफ है। एसटी का जो कट ऑफ है 75 से 78 के बीच में कट ऑफ है। PWBD1 के लिए 65 से लेकर के 72 के बीच में है। वहीं पे PWD का जो कट ऑफ है इसमें सबसे ज़्यादा कम दिखाया गया है, 35 से लेकर के 45 के बीच में है। वहीं पे आपका BW3 का देखें तो 38 से 45 के बीच में है, और BW5 का देखें तो 38 से 35 के बीच में कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है। तो एवरीवन लगभग आपका कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाला है, 1 से 2 नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है। 1 नंबर अगर आगे जाता है तो 96 के आसपास आएगा, और 1 नंबर पीछे आएगा तो 89 के आसपास आएगा एवरीवन। तो इस तरीके से ये कट ऑफ जनरेट किया गया है, बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं अनस्टोवलाइज एकेडमी की तरफ से ये शानदार एनालिसिस बेस्ड कट ऑफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि सच में ये आपके लाइफ के करियर को आगे बढ़ाने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, हेल्प करता है, तो ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट एवरीवन, सभी को ऑल द बेस्ट अनस्टोवलाइज एकेडमी की तरफ से। साथ ही थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एवरीवन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा एवरीवन। साथ ही मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है तो ये ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए एवरीवन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाना चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहो, अपने घरों में रहो। अगर आपने घूमना अब बंद कर दिया है तो जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले हैं, अगर आपने BPSC का फॉर्म भरा है, अगर आपने UPPCS का फॉर्म बड़ा है, तो इन तमाम एग्जामिनेशन के ऊपर लग जाओ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।